ओम्स लॉ आपने ये टेंथ में भी किया था। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन ऐसे ही है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कीपिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट, अगर ये ना बोला जाए तो ओम्स लॉ बिल्कुल ही फेल हो जाएगा, स्टेटमेंट ही गलत है। तुमने टेम्परेचर को नहीं चेंज करना, क्योंकि अगर वो कहता है तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उससे टक्कर जल्दी हो जाएगी, कोलिजन जल्दी हो जाएगी, जल्दी जल्दी होगी कोलिजन बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस में अफेक्ट आ जाएगा, तो उसे टेम्परेचर चेंज नहीं करना, लेंथ चेंज नहीं करनी। जितनी बड़ी लेंथ होती है हम आज डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है, छोटी वायर कम रेजिस्टेंस, बड़ी वायर ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो नहीं करना। एरिया भी चेंज नहीं करना। तो अगर आप कुछ भी चेंज ना करें तो करंट फ्लोइंग अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड। मतलब ये मान लो एक V2 पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, V1 पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, और ये इसकी रेजिस्टेंस है। आप बस मुझे ये बताओ कि ये सुना हुआ इलेक्ट्रोस्टैट्स में पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ लोअर टू, तो अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते तो उल्टे मूव करते, अगर इलेक्ट्रॉन्स होते तो लोअर से हायर मूव करते, तो करंट कहाँ मूव करेगा, हायर से लोअर। तो आज की बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बंद, एक सीधा रिजल्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर ये V1 ये V2 तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इनके बीच में, V1 माइनस V2, इसको V लिख देते हैं। तो ओम लॉ कहता है V इज इक्वल टू I into R। V का मतलब पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, V का मतलब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड इज I into R। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो यानी कि V बाई I इज R, R इज अ कॉन्स्टेंट फॉर गिवन वायर, आर कॉन्स्टेंट है, अगर तुम V बढ़ा दोगे तो करंट भी बढ़ जाएगा लेकिन रेशियो विल रिमेन सेम। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ,